चुनाव के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज आजम खान के घर पहुंचे, जहां उन्होंने आजम खान के पूरे परिवार से मुलाकात की है। सपा अध्यक्ष ने आजम की पत्नी से भी मुलाकात की है, उनके बड़े बेटे, परिवार के दूसरे सदस्यों से भी मुलाकात की है। देखिए, फिलहाल आपको बता दें कि आजम खान इन दिनों जेल में बंद है, आजम खान के बेटे भी इन दिनों जेल में बंद है। और इस बीच अखिलेश यादव जो है वो आजम खान के परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। रामपुर से ये अपडेट आपको दे रहे हैं। करीब 40 मिनट तक परिजनों से मुलाकात जो है वो अखिलेश यादव ने की है। आजम खान पर झूठे मुकदमे दर्ज हुए हैं। अखिलेश यादव की तरफ से इस दौरान इस बात का जिक्र किया गया, साथ ही कहा है कि न्यायालय उनके साथ न्याय जरूर करेगा। जब परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे अखिलेश यादव, तब उनकी तरफ से कहा गया था जो मुलाकात है वो करीब 40 मिनट तक मुलाकात हुई है। मुलाकात की तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, आजम खान की पत्नी और बड़े बेटे से मुलाकात की। भगवान जानता है, ऊपर वाला जानता है, न्यायालय जानता है, समाजवादी पार्टी जानती है, हम सब लोग लगातार जो आदरणीय आजम खान साहब के साथ अन्याय हुआ है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, और जो कानूनी लड़ाई है उसमें आदरणीय आजम खान साहब की पूरी मदद न्यायालय करे।